हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवा स्टडी सेंटर। गाइज, अभी तक हमने एससी वर्मा का 1 से लेकर के 18 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 70। और अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। और चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अ ट्रेवलिंग वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग by vibrating an end up and down sinusoidally. The amplitude of vibration is, ये important चीज, ये एक important information दिया हुआ है, is 1 centimeter. And the displacement become 0 100 times per second. यह भी एक another important information है, this information. मैं इसको mark करता हूँ किसी दूसरे color से। ये इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये। ओके, द लीनियर मास डेंसिटी ऑफ स्ट्रिंग इज इतना, ये देखिए, यह भी एक यूजफुल इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करेंगे हम इसका। एंड इट केप्ट अंडर अ टेंशन ऑफ 90 न्यूटन, ये एक। ओके, फिफ्थ क्या पूछ रहा है, फाइंड स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, फाइंड स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। चलिए, तो हमें स्पीड फाइंड करना है और वेवलेंथ फाइंड करनी है। चलो, तो सबसे पहले स्पीड फाइंड करना, स्पीड फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, स्पीड जो होती है, स्पीड किसकी, वेव की, समझ रहे हो ना, वेव की कौन सी स्पीड। मान लो ये डिस्टर्ब, ये स्टिंग वेव है और इस पे तुमने कोई एक पल्स जनरेट किया है, ये पल्स जो है इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ये जो ये पल्स बोलूँ मैं इसको, डिस्टर्बेंस बोलूँ, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो इसका मतलब along the string move करने की जो स्पीड होगी ना, उसको वेव स्पीड बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू आती है, ये होती है टी बाई म्यू। ये कैसे निकालना है, क्या करना है, इसको आप मेरे जो वीडियोस लेक्चर स्ट्रिंग वेव के, आप उसको देखिए, उन्हें काफी बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। ओके, और हिंट के लिए मैं देता हूँ, अगर इसको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिलेटिव मोशन को यूज करना पड़ेगा। ये अगर स्पीड वी से मूव कर रही है पल्स, तो आप मान लो किसी कार में है, वह भी वी से मूव कर रहा है और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है, तो आप देखोगे क्या कि जो पूरी स्ट्रिंग है इस कर्व के थ्रू मूव कर रही है, मतलब आपको इधर इस डायरेक्शन में मूव करती हुई दिखेगी। तो एक्चुअली कर्व पर मूव करने के लिए वी नीड अ सेंट्रीपेटल फोर्स। आप उस फोर्स को कैलकुलेट कीजिएगा एंड विल गेट दिस रिलेशन। ओके गाइस, तो अभी तो ये आपको रिलेशन बहुत इजीली मिल जाएगा। चलो, तो मैं इसको भी सॉल्व करता हूं। हमारे पास टेंशन दिया हुआ है, टेंशन इज 90 न्यूटन। ओके, एंड जो ये म्यू है, म्यू म्यू इज द लीनियर मास डेंसिटी, ये जो टर्म है लीनियर मास डेंसिटी, ये भी इसी की इस, ये जो कंडीशन जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा लीनियर मास डेंसिटी का। और जो म्यू है, म्यू आपको दिया हुआ है 0.1 kg per meter। अब देखो यहाँ पे ये इसका इंफॉर्मेशन यहाँ पर दिया हुआ है इस जगह पे, तो बस हमें वैल्यू पुट करनी है एंड वी विल गेट द आंसर। द आंसर इज √90/0.1, सो इट विल बी 900 √ over, दैट विल बी 30। तो 30 क्या, इस यूनिट क्या होगा इसका, 30 meter per second, दैट विल बी द यूनिट। ओके, चलिए फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड, स्पीड तो हो गया, द वेवलेंथ ऑफ द वेव। स्पीड पता है, अगर हमें फ्रीक्वेंसी पता हो तो वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ वेरी इजीली, हम वेवलेंथ को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ। ओके, और वेवलेंथ क्या होता है कि जो टाइम पीरियड है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाई, ये जो डिस्टर्बेंस है ना, ये जो डिस्टर्बेंस है, वो जो ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड है, ये जो डिस्टर्बेंस है, जो ऑक्सीलेशन के टाइम पीरियड में, मान लो यहाँ तक ट्रेवल कर लिया वन टाइम पीरियड में,
तो ये जो लेंथ आएगा ना, ये लेंथ, दैट लेंथ विल बी द वेवलेंथ। ओके, तो हमें अगर टेम्पलेट पता चल जाए तो वी कैन कैलकुलेट। ओके गाइज, तो टेम्पलेट के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, द डिस्प्लेसमेंट बिकम 0 to 100 times per second, मतलब एक सेकेंड में 200 बार क्या हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो चलो आप जरा देखते हैं इसको, इसका क्या मतलब, इसका जरा यूज हम करने की कोशिश करते हैं। गाइस सी, ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का कोई पार्टिकल है, जैसे सपोज कोई ये वाला पार्टिकल है, तो वो क्या करेगा, ये ऊपर जाएगा, अगर यहां से स्टार्ट करता है मेन पोजीशन पे, ऊपर जाने के बाद में रिटर्न आएगा, फिर से मैक्सिमम जाएगा एम्पलीट्यूड तक, फिर रिटर्न होगा। ओके, उसके बाद फिर से यहां से शुरुआत करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर फिर रिटर्न आएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर से यहां पहुंच जाएगा। ओके गाइस, तो आप देखोगे, मान लो ये आप देखोगे कि ये जो रिपीटिशन है ये एक सेकेंड में 2 बार होगा, क्योंकि ये फर्स्ट यहां से स्टार्ट था, फर्स्ट और सेकेंड, और ये वाला जो पॉइंट है यहां से फिर से इसका अगला वाला काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब आप समझ रहे हो, तो एक सेकेंड में मतलब एक रोटेशन में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार वो मिन पोजीशन पाएगा, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने में 2 बार, एटलीस्ट 2 बार ये मिन पोजीशन पाएगा। तो 2 बार अगर मिन पोजीशन पाता है तो व्हाट कैन वी डू, मतलब कितना ऑक्सीलेशन करता है, एक ऑक्सीलेशन मतलब एक ऑसिलेशन में, एक ऑसिलेशन में 2 बार आता है। तो अगर समझ लो 2 बार ये क्या होता है, 0 होता है, 2 times become 0, तो अगर 1 time 0 होता है तो कितना होगा भाई, 1/2 ऑसिलेशन होगा एक सेकेंड में, ठीक ना। तो ये कितनी बार 0 हो रहा है, 200 टाइम, तो 200 टाइम अगर 0 हो रहा है तो व्हाट विल बी ऑसिलेशन पर सेकेंड, 100, ठीक ना, 200 by 2 ऑसिलेशन क्या होगा, पर सेकेंड होगा, 200 ऑसिलेशन पर सेकेंड। तो मतलब ऑसिलेशन क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन 100 ऑसिलेशन हो जाएगा पर सेकेंड। ओके चलो, अब इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 100 हर्ट्ज की। ओके, वेवलेंथ क्या होता है, जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ वो वी इंटू टी अगर लिखा जाए दैट विल बी द लैम्डा। ओके, सो वी इज इक्वल टू लैम्डा बाय टी, दिस मीन्स लैम्डा इंटू एफ, 1/T इज द फ्रीक्वेंसी, सो लैम्डा इंटू एफ, तो वी बाई एफ इज इक्वल टू क्या, लैम्डा। ओके, तो 30 बाई 100, यही आएगा ना भाई, मतलब आप वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दो, विल गेट अ वेवलेंथ। तो हमने ही किया, 30 मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आई थी जो हमने कैलकुलेट किया था, और ये 100 फ्रीक्वेंसी होगी। सो खट्टम कुट्टम खेल लेते हैं, व्हाट वी गेट, अवर लैम्डा विल बी 0.3 meter, मतलब लैम्डा विल बी 30 centimeter। तो हमने लैम्डा को कैलकुलेट कर लिया। ओके चलो, अब अगला क्वेश्चन क्या है, अज्यूम दैट द वेव मूव्स इन अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0, द एंड एक्स इज इक्वल टू 0 इज एट इट्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन। चलो राइट द वेव इक्वेशन, ये दिस इज द वेरी नाइस क्वेश्चन एंड
हमें इसको भी जाकर सॉल्व करने वाले हैं। चलो तो गाइज अभी इसको जाकर समझने की कोशिश कर। देखिए हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन क्या है, लाइक कोई भी वेव का जो इक्वेशन होगा वो इस फॉर्मेट में होगा, y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस फाइव। ये फाइव इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं है कि मोशन का स्टार्ट कैसे हुआ था, इनिशियल इनिशियल स्टेट क्या था। ओके तो इसलिए मैंने इसको प्लस फाइव रखा हुआ है। चलो जैसे इस केस में ये जो मोशन का स्टार्ट हुआ था वो किस टाइम पे था, एक्सट्रीम पोजीशन पे, एट टाइम t इज इक्वल टू जीरो एंड x इज इक्वल टू जीरो इज एट इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक ना। तो ये जो है आपका था, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन पर था, मतलब पोजीशन हमें पता नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव किप्ट द फाइव। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमेशा जब भी आप जनरल इक्वेशन वेव का लिखें इसको आपको यूज करना चाहिए। ओके चलिए तो एम्पलीट्यूड, वी नो द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, ये है एक सेंटीमीटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट किस में आएगा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में। ये अंदर की जो होल क्वांटिटी है ये होगी यूनिटलेस, अंदर की होल क्वांटिटी क्या होगी, यूनिटलेस। तो मैं डिस्प्लेसमेंट को लिखता हूं वन सेंटीमीटर हो गया, वन साइन ओमेगा। देखो हमें ये पता है, हमें फ्रीक्वेंसी पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 100 हर्ट्ज। दिस मीन्स कि एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, 100। ओके तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, देखो ओमेगा इंटू वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2π। तो वी नो ओमेगा, ओमेगा इज 100 इंटू 2π। ओके तो चलो वी नो ओमेगा 100 इंटू 2π प्लस ओमेगा बाई भी, सो 200π बाई 30, ये माइनस में होगा सॉरी टी अरे एक्स ये होगा प्लस 5, ये क्वांटिटी आ जाएगी। तो हमने ये इक्वेशन जो है अप्रोक्सीमेटली लिख लिया है, ये माइनस होगा, ये एक्स है, ये प्लस 5 है, बस हमें 5 की वैल्यू जो है पता करनी है। तो y अब दिया है टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, अगर मैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करूं, यहां पर जो टाइम का कोफिशिएंट है, टाइम t इज इक्वल टू 0 पुट करूं इसकी वैल्यू, और एक्सट्रीम ये है ना द एंड x इज इक्वल टू 0, एंड जो है x इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। पार्टिकल जो है ये वाला जो पार्टिकल है x इज इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल, वो क्या अपने एक्सट्रीम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजिशन पे, मतलब मान लो ये आपका और ये x इज इक्वल टू 0 है और ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे ये यहां पर है, और ये जो लेंथ है यहां से ये वाला जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर है, हाँ समझ रहे हो। तो मैं इस ये वाली वैल्यू इसमें पुट करता हूं तो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, वी विल गेट 1 इज इक्वल टू 1 साइन ओके 0 माइनस 0 प्लस 5। साइन 5 इज इक्वल टू 1। गाइज अगर साइन की आप प्रॉपर्टी को देखोगे तो ये केवल एक ही वैल्यू है जिसके लिए साइन की वैल्यू पाई, साइन 5 की वैल्यू 1 होगी, और डेट 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 जो आएगा पाई बाई 2। तो हम इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 साइन ओमेगा 200 पाई टी
माइनस 20/30 एक्स प्लस 5/2, ओके गाइस, प्लस 5/2। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो अब अगला इक्वेशन क्या है, फाइंड द वेलोसिटी एट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो गाइज हमारे इस जो क्वेश्चन में ये टाइम t है वो सेकेंड में आएगा और ये x है वो मीटर में आएगा, तो x इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर पे हमें बताना है, ओके और ये टाइम सेकेंड में आएगा तो मतलब 10 टू द पावर माइनस, टाइम हम किस पे बताएं, 10 into 10 to the power minus 3 सेकेंड में बताना है, ओके चलो तो मैं अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इस लिख करके, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट आएगा उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में आएगा, ओके इन सब चीजों को ध्यान रखने की जरूरत है। सो y इज इक्वल टू 1 sin और 200 into 10 into 10 to the power minus 3 pi माइनस 20 by 3 into 0.5 प्लस 5/2 पाई, दिस विल बी आल्सो पाई मल्टीपल ऑफ पाई, x 200 pi here should be pi. So, हमारे पास क्या ये वैल्यू क्या आ गई, ये जो हो जाएगा आप ध्यान से देखोगे ये आएगा 2 pi, that will be 2 pi, तो sin 2 pi और ये जो आएगा what will be this value, 20/3 into pi, तो if you see that will be 10/3 pi plus pi by 2 plus pi by 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें what we get here, हम इसको इजीली इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर साइन इसको आप सॉल्व करेंगे तो साइन, तो गाइस हमें जो इक्वेशन मिला है मतलब यहाँ पर वाई इज इक्वल टू क्या जाएगा, वाई इज इक्वल टू 1 sin और अंदर की जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी 2 pi माइनस 10 pi by 3 plus pi by 2। तो अगर आप इसको अंदर को सॉल्व करेंगे यू विल गेट 1 sin, ये क्या हो जाएगा आपका 6 minus 10 मतलब माइनस 4 pi by 3 प्लस पाई बाई 2। सो ये आपकी क्वांटिटी आ जाएगी अंदर की, अगर आप इसको एक बार फिर से सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर दोगे तो देन वील गेट व्हाट वील गेट, साइन डेट विल बी माइनस 8 pi प्लस 3 pi by 6 डेट विल बी माइनस साइन माइनस 5 pi by 6 माइनस साइन 5 pi by 6, ओके ये आपको मिलेगा ये अंदर का, ओके और ठीक है इसका भी हम यूज कर लेंगे बाद में ये जो हेलो है। चलो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द वेलोसिटी, वेलोसिटी फाइंड करना गाइज, तो वेलोसिटी क्या होगा, भी अगर हमें y पता है y इज इक्वल टू 1 sin 200 pi t
माइनस 20/3 पाई एक्स प्लस पाई बाई टू। अगर ये पता है तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, अगर इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे वी गेट वी। सो वी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। ये एक्चुअली वाई है क्या, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेस देना चाहता हूँ, आप ध्यान से समझोगे तो ये अगर स्ट्रिंग है तो जो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, समझ रहे हो, ये वाई है। तो ये जो वेलोसिटी है ये पार्टिकल के जो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इधर जो मूव करने की स्पीड है, जो वेलोसिटी है वो ये है। ओके, इसको डिफरेंट, ये वेव वेलोसिटी से अलग है, ये जो क्वांटिटी यहाँ पर जो 30 आ रहा है ना उससे बिल्कुल अलग है। तो मैं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, वी विल गेट 200 पाई, ओके, साइन और बाकी की अंदर की क्वांटिटी। चलो तो मैं इसको लिख देता हूं 200 पाई। तो हमारा जो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ये जो टाइम पीरियड में दिया हुआ 50 सेंटीमीटर पे टाइम टी इज इक्वल टू 10 पे, तो पूरा अंदर का तो ये सेम आएगा। अगर मैं इसमें लिखूं इसमें कि टाइम टी इज इक्वल टू मतलब 10 मिलीसेकंड और एक्स इज इक्वल टू इतना, तो हमारा जो अंदर का एक्सप्रेशन है इट इज गोइंग टू बी सेम। तो व्हाट वी गेट, वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 200 पाई साइन माइनस 5π/6। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे देन विल इट बिकम 200π माइनस साइन π/6, साइन 5π/6। तो ये देखोगे दिस क्वांटिटी विल बी -1/2। ये जो क्वांटिटी है पाई प्लस पाई बाई सिक्स, दैट विल बी पाई माइनस पाई बाई सिक्स, सॉरी दिस विल बी कॉस। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे इट विल बिकम कॉस नॉट साइन, दिस क्वांटिटी मतलब साइन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कॉस होगा, कॉस, दिस विल बी कॉस, देन कॉस माइनस 5π/6। तो ये अगर इसको देखा जाए देन इट विल बिकम 200 cos 5π/6। चलो मैं इसको थोड़ा सा, सो v इज इक्वल टू 200π cos -5π/6। सो ये ट्रिग्नोमेट्री कर रहे 200π cos 5π/6, ओके, और ये जो होगा आपका 200 cos π -π/6। अगर मैं इसको, अब मैं थोड़ा सा इसको बनाऊं, डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो ये हमारी क्वांटिटी, ये जो वैल्यू है कुछ इस टाइप की होगी, 0 पे पाई, तो ये आएगा आपका यहाँ पे, तो ये नेगेटिव में आएगी, ओके। सो 200π √3/2, π/6 क्या होगा, √3/2, यहाँ पे ये आएगी, इसकी वैल्यू आएगी √3/2 माइनस में, दैट विल बी नेगेटिव। सो गाइज अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, इफ यू सॉल्व इट देन आप क्या गेट करोगे, -548.22 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये स्पीड आ जाएगी। अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर दूं व्हाट वी गेट, -5.48 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके गाइस। तो ये काफी सिंपल, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब से अगला जो क्वेश्चन था वो क्या था आपको, एक्सेलरेशन बताने का, अगला जो था वो क्या था आपका, एक्सेलरेशन क्या होगा सेम टाइम पे सेम पोजीशन का। तो अगर मैं देखूं जो आपका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी का इक्वेशन आ रहा था
200 पाई कॉस 200 पाई टी माइनस साइन का जो होगा वो ठीक है, उसके डिफरेंशिएट नहीं कर, टाइम के स्पेक्ट में मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं, व्हाट वी गेट एक्सेलरेशन 200 पाई इनटू 200 पाई 200 पाई इनटू 200 ओके, और ये आएगा माइनस साइन, तो एक्सेलरेशन व्हाट विल बी एक्सेलरेशन ठीक है, तो और इसकी यूनिट क्या होगी, और ये अंदर ये जो साइन आएगा साइन माइनस 5π/6 आएगा, दैट विल बी साइन माइनस 5π/6 ओके, मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन की यहां पर वैल्यू लिखूं तो मैं एक्सेलरेशन का मैं इक्वेशन लिख दूं, एक्सेलरेशन का इक्वेशन देन वी गेट 200 पाई स्क्वायर साइन 5π/6 आएगा क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस, और अंदर की जो क्वांटिटी आएगी वो आएगी माइनस 5π/6 ओके, और ये जो टोटल आएगा वो आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दो बार इसके अगर यूनिट रखा जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपका माइनस 200 पाई इनटू 200 पाई साइन माइनस 5π/6 नहीं होगा, तो इसको अगर मीटर में चेंज कर दूं तो हमें इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया ओके, व्हाट वी गेट हियर तो माइनस 4π² इनटू 100 साइन माइनस 5π/6 और अब अगर इसको देखा जाए माइनस साइन 5/6 तो मैं इसको अंदर ले लेता हूं, विल गेट 4π² 100 साइन 5π/6 तो अगर आप ध्यान से देखोगे दैट विल बी द साइन का मैं कर्व बनाऊ तो ये हो गया पाई, ये हो गया पाई माइनस 5/6 दैट विल बी 1/2 मतलब 2π² 100 ये क्या आएगा, ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड ओके, 2π² 100 दैट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दैट विल बी एक्सेलरेशन, तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं और इसकी वैल्यू जो होगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 1971.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन की ये वैल्यू आएगी, तो आप इसको किलोमीटर में लिख सकते हो जो जो अप्रोक्सीमेटली 2 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी, 2 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतने तेजी से एक्सेलरेट करे ओके गाइज, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, इफ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।